नमस्कार राधे राधे हरे कृष्णा वर्षा राधिका मूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को पापा कुश एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। धर्मराजोषित बोले कि हे भगवान, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, यह सब कृपा कर कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुश है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भी भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनके पूजन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करना चाहते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन शील सागर पे शेषनाग पर शैया करने वाले श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त विष्णु जी की निंदा करता है, वह नरक को जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्वी यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के सलावे हिस्से के बराबर भी नहीं होता अथवा इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में कोई पवित्र तिथि भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप ने घेर रखा होता है। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश में होकर केवल इस एकादशी का उपवास भी करते हैं तो उन्हें यम दर्शन नहीं देते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण और उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिल जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत करता है, उन्हें विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषण से युवित होकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुश एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करता है, उन्हें हरिलोक मिलता है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपहार, वस्त्र, शस्त्र आदि का दान करते हैं। उन्हें यमलोक के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान कर देना चाहिए ताकि उनके पुण्य में भी कुछ आए। जो मनुष्य तालाब, बागीचे, धर्मशाला, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक से स्वस्थ और अपने पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सबका शंका यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्म करते हैं उन्हें दरिद्रता भोगनी पड़ती है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो जब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।